अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं नायला शुजा और आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी। आज हमारे गेस्ट मिस्टर मुनव्वर हुसैन हैं, हु हैज़ बिन वर्किंग इन बहरिया फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। दैट मीन्स ही इज़ डेडिकेटेड 2 decades ऑफ हिज लाइफ टू दिस फाइन इंस्टीट्यूशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक हूँ सर। बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे शो पे, और बहुत और भी बहुत अच्छा लगा कि आपने 20 साल दिए हैं इस इंस्टीट्यूशन को। तो सर, आप हमें बता सकते हैं कि आपने कब ज्वाइन किया था और किस हाल में ज्वाइन किया था बहरिया यूनिवर्सिटी? जी, मैंने 96 में ज्वाइन किया था बहरिया को, और उस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी तो नहीं थी जी, बहरिया इंस्टीट्यूट था जी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से एफिलेटेड था। तो बहुत थोड़े से स्टूडेंट थे, कोई 2 क्लासें थी जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके तो 2000 में यूनिवर्सिटी बनी है। अभी अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी पूरा इंस्टीट्यूशन बन गया, बेहतरीन। तो आप मुझे बता सकते हैं आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं? जी, एग्जामिनेशन। तो आपको सारे पेपर्स का पता है, अभी जो मिड्स होंगे और फाइनल्स होंगे वो जी, सारे जी, आपके पास अभी से पढ़े हुए जी, जी. चलेंगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात है। और आप मुझे बता सकते हैं कि जब आपको ये नौकरी मिली थी तो पहला जो पेचेक था आपने उसके साथ क्या किया, आपने क्या खरीदा? वक्त तो काफ़ी गुजर गया है जी, तो बहरहाल पहली पहली तनख्वाह थी तो बड़ी खुशी थी जी, और हमने अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीदी थी, बस सूट हो गए या कुछ जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप एग्जामिनेशन सेल में हैं तो ज़्यादा टेंशन का माहौल होता है मेरे ख्याल से वहाँ पे, स्पेशली जब मिड्स के टाइम होता है या फाइनल्स का टाइम होता है तो फिर आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम के थ्रू ही सारा कुछ हो रहा है, तो कंपनी भी अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी, जो साथ स्टाफ है, हमारे सीनियर जो हैं वो भी माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव हैं, ख्याल रखते हैं, तो कोई इस तरह का माहौल तो नहीं होता, नॉर्मल ही चलता है। तो सबसे मेमोरेबल इवेंट क्या था बहरिया में 20 साल में, सबसे अच्छा वाक्या? बहुत सारे हुए हैं जी, देख, अच्छे ही थे सारे, कोई इस तरह का इवेंट तो नहीं है जो जी कोई बुरा हो या कुछ इस तरह, अच्छे ही इवेंट सारे ही गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जी। तो कोई आपको आपको क्या लगता है कि जब बहरिया बन रहा था तो सबसे पहले कौन सा कैंपस बना था? ओल्ड कैंपस। ओल्ड कैंपस तो कितने फ्लोर्स थे, कितने लेवल्स थे? ओल्ड कैंपस के साथ हमारा था ऑडिटोरियम बना था और उसके 2 फ्लोर थे। तो जब बहरिया यूनिवर्सिटी में ओल्ड कैंपस बना तो उसके बाद कौन से कैंपस बने? उसके बाद एनसी। एनसी तो एनसी में कितने फ्लोर्स सबसे पहले बने थे? एनसी पूरा इकट्ठा बना है जी, जी उसके 4 फ्लोर जो बने इकट्ठे ही बने। और सर फिर उसके बाद कौन सा कैंपस बना? एक्स कैंपस। एक्स कैंपस, तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे अच्छा जो कैंपस है वो कौन सा कैंपस है? सारे कैंपस अच्छे हैं यूनिवर्सिटी के जी। तो सर आपको क्या सबसे अच्छी, मतलब बहरिया के बारे में, बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? बहरिया यूनिवर्सिटी, हम तो यहाँ सर्विस करते हैं जी, हमने तो इसी को देखा है, बाकियों की नस्बत बहुत अच्छी है, स्टूडेंट के साथ भी, पढ़ाई के लिहाज से भी अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अच्छी है, ओवरऑल कैंपसेस अच्छे हैं, सहूलतें सारी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन चल रहा है। तो जब आपने शुरू बहरिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो पहले 2-3 साल किस तरह से गुजरे? क्योंकि हम बिल्डिंग बहरिया कॉलेज की इस्तेमाल करते थे जी, तो फिर चीज़ें उन्हीं से लेते थे जो हमें ज़रूरत पड़ती थी, कंप्यूटर वगैरह बहुत कम थे जी, तो मैनुअली सारा कुछ होता था, तो सारे टाइम टेबल्स वगैरह और जी जी सारा मैनुअली होता था। ठीक है, तो जब कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेट हुए तो फिर आपका काम थोड़ा सा आसान हुआ या टाइम लगा था एडजस्ट करने में? नहीं, आसान हो गया वक्त के साथ साथ जी, क्योंकि स्टार्ट में कम बच्चे थे तो आसान ही था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने तो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर्स देखे होंगे अपने टाइम में, 20 साल कोई छोटा वक्त नहीं है, तो ढेर सारे डायरेक्टर्स आए हैं, ढेर सारे स्टूडेंट्स आए हैं, ढेर सारे डायरेक्टर्स गए हैं, स्टूडेंट्स भी गए हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छा साल कौन सा था?
हमारे लिए सारे ही अच्छे थे, कोई इस तरह का नहीं है जी। बच्चे भी शुरू में तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि कम बच्चे थे तो ज़्यादा उनके साथ था, आना जाना भी था उनका। तो अभी डिपार्टमेंट ज़्यादा हो गए हैं, डिपार्टमेंट ही बच्चों को डील करते हैं जी। तो हमारे पास तो कम ही आते हैं, तादाद इतनी ज़्यादा है कि बंदा इतना कर भी नहीं सकता। तो शुरू में तो अच्छे थे, अभी भी ठीक हैं जी। बच्चे। तो आपका जो एग्जामिनेशन सेल में एनवायरमेंटल एनवायरमेंट है, माहौल है, वो कैसा है? कंबाइन है हमारा, जी जिस तरफ मिलजुल के ही चलता है जी तो जी खुशी और गम जी में आप जी लोग साथ जी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी अच्छा का अगर कोई मौत फोत हो जाए फिर भी जाते हैं, जी किसी की शादी हो तो फिर भी कोशिश करते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो तो हम अटेंड करें उसको। जी तो भैरी यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी चेंजेस आए होंगे, तो सबसे अच्छा चेंज क्या हुआ था, क्या था? जो भी चेंज आई है अच्छी चेंज आई है, जी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अच्छा ही फैसला करके अच्छी चेंज आई है तो आपको वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि भैरिया यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट का नाम होता है वो भैरियन है, तो आपको क्या लगता है वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो भैरियन को बनाते हैं? बैरियन को यहाँ की जो फैकल्टी है अच्छी फैकल्टी, वो उन्हें अच्छा पढ़ाती है। वो बाहर जाके मार्केट में अपना पूछते हैं लोग तो वो फिर बताते हैं हम बैरिया से पढ़ के आए हैं, वो बैरियन हैं। तो जब अच्छा रिस्पांस मिलता है तो लोग अच्छे उसमें याद करते हैं, तो तो आपके कोई यूनिवर्सिटी का नाम होता है जी जी। तो आपके कोई अटैचमेंट है बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ? हमारी अटैचमेंट तो सर्विस ही है जी जी। नहीं, मतलब सर्विस के अलावा कोई अटैचमेंट हो कि डिफेंड करना हो अपने इंस्टीट्यूशन को कि नहीं बहरिया यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा अदारा है और यहाँ पे बहुत अच्छी सहूलतें मौजूद होती हैं। नहीं, हम तो किसी और को अपनी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में तो नहीं करते, क्योंकि कोई भी बात हो तो हम तो अपनी यूनिवर्सिटी का ही ज़्यादा नाम लेंगे, क्योंकि हमें तो जी यही अच्छी लगती है जी जहाँ से हम अपना रिजक लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी सर्विस है, हमारी मोहब्बत इसके साथ ज़्यादा है। तो क्या डेवलपमेंट्स आई हैं अभी इस साल में भैरिया यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको अच्छी लगी हैं? कोई कैंपस, कोई एक्टिविटी हो, कोई अच्छे ग्रेड्स आए हो बच्चों के, क्या? बस ग्रेड्स के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बच्चे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हैं, जो ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं उनको अच्छे ग्रेड मिलते हैं, और जी अच्छे ग्रेड मिलते हैं तो फिर वो स्कॉलरशिप लेते हैं, उनको ये जी भी बेनिफिट है। यहाँ से भी बहरिया यूनिवर्सिटी भी बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, जी फिर HEC भी देती है, तो इस तरह उनका और हौसला बुलंद होता है, ज़्यादा मेहनत करते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम बनता है, तो ये मेहनती लोग ही कर सकते हैं। जी तो एग्जामिनेशन सेल अवॉर्ड करते हैं स्कॉलरशिप्स या डिपार्टमेंट वाले? डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन वगैरह आती हैं जो बच्चे वहाँ जी पे अपना देते हैं, और जो कैंपस है हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है जी यहाँ, तो जो होते हैं स्कॉलरशिप मेरिट वाले वो जी तो रिजल्ट पे ही बनते हैं, वो तो हमारे पास से ही जाते हैं ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनल्स हम देते हैं, जी मिड्स देते हैं, तो वो जी सर जाते कहाँ हैं पेपर्स? वो हमारे पास ही होते हैं, स्टोर में वो होते तो हैं। फिर आप रखते कहाँ हैं? कोई बेसमेंट में स्टोरेज रूम है? हाँ, हमारे पास स्टोर्स हैं जी कितने तो कुछ अरसे के लिए वहाँ पे होते हैं, फिर जो अरसे के लिए? यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी होती है उसके जी मुताबिक उनको फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। अच्छा, तो अभी आपके पास आ गए हैं मिड्स के पेपर्स और फाइनल्स के जी पेपर्स हमारे जब पास आए अभी अभी से आ गए हैं? जी, तो सेमेस्टर हमारे शुरू भी नहीं हुआ और अभी से आ नहीं, गए? पिछले जो हैं अच्छा अभी नए, तो जब पढ़ेंगे जाहिर है फैकल्टी मेंबर पढ़ाएंगे जी तभी पेपर बनाएंगे ना। अच्छा, नहीं मैं सोच हाँ रही थी कि पहले से आपको नहीं, फिर बना के कहीं पहले से स्टोर नहीं है, किए हुए नहीं होंगे। पहले से नहीं आते, वो जो पढ़ाते हैं उसमें से ही आता है। तो सर आपको क्या लगता है कि बहरिया यूनिवर्सिटी अभी जाके 7 फरवरी को फाउंडेशन बनाने लगी है, जी तो आप फाउंडेशन डे मनाने लगी है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की इवेंट सेलिब्रेट की और होनी चाहिए या होनी मतलब चाहिए जी, होनी यूनिवर्सिटी चाहिए? के लिए अच्छा है ये, होने चाहिए, एम्प्लॉय भी खुश होंगे, जो लोग उस वक्त से हैं उनके हौसले भी बुलंद होंगे। ज़ाहिर है ज़िंदगी तो हमारी दिन ब दिन कम ही हो रही है, लेकिन खुशी भी होती है जी कि इदारे के साथ हमारा इतने अरसे से तो आपको साथ कोई है। रिवॉर्ड्स मिलते हैं?
नहीं, एग्जामिनेशन सेल में ही नहीं, इस तरह का कुछ नहीं, इस तरह का नहीं. तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आते हैं और कहाँ पे रहते हैं. मैं है तो डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद ही, लेकिन इस्लामाबाद का देही इलाका है जी, ये जंग सीधा जी. तो आपको कितना टाइम लगता है आने जाने में? मेरा तकरीबन एक घंटा एक साइड का है जी. तो आपको दो घंटे मतलब, और रश अगर ना हो तो फिर? हाँ, रश तो होता ही है, जाहिर है आजकल गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, गाड़ियों का वो है जी, तो इसमें रश तो ज़्यादा ही होता है. तो आप उठते कितने बजे? मैं सुबह फजर के वक्त जी. तो फिर आप आते यूनिवर्सिटी किस टाइम पे आते हैं? 8 बजे पहुँच जाते हैं. 8 बजे जी. और फिर पूरा दिन आप यहाँ पे गुजारते हैं, और घर कब जाते हैं आप? शाम को कोई टाइम? तकरीबन जो क्लासेस शुरू होती हैं तो फिर तो हमारी छुट्टी का टाइम भी शाम को 8 बजे ही है जी. तो उसके बाद जाहिर है जाते हैं, तो फिर 8:30-9 बजे ही पहुँचते हैं. तो जो आजकल है थोड़ा सा घंटा डेढ़ पहले चले जाते हैं, क्योंकि इतना वो नहीं होता. तो आपका जो आते जाते रहते हैं तो आधा टाइम आपका यहाँ पे गुजरता है, तो आप यहाँ पे कौन सी कैंटीन में जाके खाते हैं? कंटीन हम NC की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चूँकि हमारे नज़दीक भी वो है जी, तो उस पे ज़्यादा आते जाते हैं. तो वहाँ NC में सबसे अच्छी डिश क्या है? मुख्तलिफ ही हैं, बस जो हमें पसंद आती है कब खा लेते हैं. मगर स्पेशलिटी क्या है NC की, आपको क्या लगता है? बिरयानी है, रोल पराठा, शावरमा? अच्छी हैं बिरयानी वगैरह, अच्छी हैं उनकी. तो आपको जब आप एफिलिएट होते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी से, तो आपको किस तरह की फीलिंग्स आती हैं दिल में, कि मतलब आपने 20 साल एक इदारे को दिए हैं, और मतलब एक लॉयल्टी आपने मतलब क्रिएट की है यूनिवर्सिटी के साथ भी और अपने साथ भी, तो आपको किस तरह का क्या महसूस होता है? हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जी घर वाला ही माहौल महसूस होता है. हमें तो अभी इतना अरसा हो गया है कि हमारे लिए तो जिस तरह अपने घर में होता है बंदा, उसी जैसे दाखिल होते हैं तो हमें पता चलता है कोई अपनी ही जगह है जहाँ पे हम आए. कोई इतना नहीं होता कि कोई टेंशन वाली है जगह, कोई अजनबी एरिया, वो उस तरह की बात कोई नहीं है. यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से अपना टाइम गुजारते हैं, काम करते हैं, कोई इस तरह की टेंशन नहीं होती. तो आपको कभी फील नहीं हुआ कि आपको इस इदारे से मतलब जितना हासिल हो सकता था वो आपने हासिल किया है, और अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, या आपको आपकी लॉयल्टी बहुत ही स्ट्रांग है इस इदारे से? इस तरह का तो कोई नहीं सोचा, बस इदारे के साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जी मोहब्बत है, और अल्लाह ने हमारा रिज़क भी लिखा है जी. जब तक उसकी तरफ से मंजूरी है तो वो तो उसमें कुछ कोई भी नहीं कुछ कर सकता. तो आप पूरा दिन यहाँ पे गुजारते हैं, तो जब आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, आपको सैटरडे और संडे ऑफ मिलता है? जी, सैटरडे संडे. तो आप सैटरडे और संडे में क्या करते हैं? बस बच्चों के साथ घर में, और वालदैन हैं उनके साथ, ज़्यादा टाइम तो उनको देते हैं फिर, तो जो घर की ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखते हैं बस. और इतना कोई फारग टाइम हो तो फिर इधर उधर कहीं चला गया बंदा, घूम फिर आया. और फैमिली में कोई शादियां होती हैं, कोई फोतियां होती हैं, उनको भी अटेंड करना होता है, तो बस वो गुजर ही जाता है. तो आपको बैलेंस करना पड़ता है? जी जी, वो क्योंकि नॉर्मल दिन में तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता. जी. मगर आपको लगता है कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप चाहेंगे कि वो इस इदारे में आके पढ़ें? जी, कोशिश तो हमारी होगी जी, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो जी. थैंक यू मिस्टर मुनव्वर हुसैन, आपने 20 साल इस इदारे को दिए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आप बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ ही होंगे इंशाल्लाह. बहुत शुक्र अदा मैं करना चाहती हूँ, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया. और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे एंड विल बी बैक विद मोर गेस्ट फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी, और मैं हूँ नायला शुजा. आज हम बैठे हुए हैं मिस्टर आलम ज़ेब जो नायब कासिद हैं, एंड मिस्टर मोहम्मद सलीम जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हैं.
آئیں ذرا آج ان سے کچھ سیکھتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ مسٹر عالم زیب, آپ اس یونیورسٹی میں, آپ کو 18 سال ہو گئے تقریباً, تو آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ میں پہلے مینجمنٹ میں تھا, مینجمنٹ کے بعد پھر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں آ گیا ہوں پتلوار صاحب کے ساتھ, پھر اس کے بعد میں ایڈمن آفس میں آ گیا. اچھا, اور مسٹر سلیم, آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں؟ جی, میں نے جب سے انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ ہوا ہے, جتنے بھی ڈائریکٹرز آئے ہیں یا ڈی ڈی اینڈ سی آئے ہیں, ان سب کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے. جی, تو آپ نے اتنے سال اس ادارے کو دیے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ اب مطلب زیادہ اچھا ہو گیا ہے نسبتاً 10 سال پہلے؟ پہلے تو اتنا تعداد نہیں تھا. جی, مطلب 5-6 کلاسیں 99 میں, پھر اس کے بعد پڑھائی کے لحاظ سے نہیں, ادھر تعداد بڑھ گئی. جی, اس وجہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہو گئے. جی, سب آنا شروع ہو گئے, فیکلٹی ممبر جو ایسے ایسے کسی کو پتہ, بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو جو ڈپارٹمنٹس تھے پہلے, جو فار ایگزامپل 10 سال پہلے جب ڈپارٹمنٹس ڈیولپ ہو رہے تھے, تو اس میں زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑ رہی تھی یا اب جا کے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے؟ پہلے بھی کرتے رہے, ابھی بھی کرتے رہیں گے. پہلے یہ تھا کہ کام کافی زیادہ ہوتا تھا, اس کی بہ نسبت اب جو ہے کام تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. جی, کیونکہ پہلے یہاں پہ جو انٹری ٹیسٹ وغیرہ چلتے تھے, اس کے لیے سارے پورے مطلب اوپر جو کلاس روم ہے ان کی چیئر جو ہے وہ نیچے لگانی پڑتی تھی, اور پھر ان کو واپس لے کے جانا پڑتا تھا. جی, اب تو وہیں پہ کلاس روم میں ہی ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اتنے سال دونوں نے بحریہ یونیورسٹی میں گزارے ہیں, تو آپ صبح کس ٹائم پہ آتے ہیں؟ ہم تو 7:20-7:30 پہنچ جاتے شام اور صبح میں. جی, تو آپ گھر کب جاتے ہیں؟ جب ایڈمن افسر سے پوچھتے پھر جاتے ہیں. جی, تو کیا ٹائم ہوتا ہے وہ؟ 8 سے 8 ڈیوٹی ٹائمنگ. اچھا, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, تو آپ کا پورا دن یہاں پہ گزرتا ہے, تو آپ کون سے کیفے میں جا کے کھانا کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پورا دن پھر؟ نہیں, پورا دن آپ جو کام ہے دفتر کا وہی پہلے وہ کر دیتے ہیں. جی, پھر اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کے لیے چلے جاتے. جی, کھانا بھی ٹائم دے دیتے سر, یہ نہیں کہ نہیں دیتے. جی, تو کنٹین جو تین کنٹین ہے جس میں مطلب ایک کھانا اچھا پکے ادھر ہی چلے جاتے. جی, کھانے کے لیے. تو آپ کی فیوریٹ کینٹین کون سی ہے؟ ہمارے سارے فیوریٹ ہیں کیونکہ یونیورسٹی کے ہیں. جی, تو آپ مجھے, آپ نے بولا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, تو اب تو ہماری مسجد بھی کافی الحمدللہ ڈیولپ ہو گئی ہے, تو اب زیادہ اچھی ہے یا پہلے زیادہ اچھی تھی؟ ابھی بھی زیادہ اچھی ہیں, پہلے بھی اچھی تھی. جی, تو آپ مطلب اب زیادہ جگہ ہے نماز پڑھنے کی, اور زیادہ وہاں پہ لوگ قرآن بھی سکھاتے ہیں یا بس نماز؟ صرف اپنے مطلب کہ میں نے اگر قرآن پڑھے تو میں جا کر ایک رکو پڑھ لوں, یا جی اسی طرح اپنے اپنے مطلب کہ خود چلے مسجد میں جا کر نماز کے بعد. جی, پڑھ لیتے. آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے بحریہ یونیورسٹی کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سب سے اچھی چینج آئی ہے یہاں پہ؟ نئے ڈپارٹمنٹس کھلے ہیں یا نیا کیمپس بنا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیض حسین صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ جو ان لوگوں نے میڈیا بنائے, ٹی وی بحریہ یونیورسٹی کا ٹی وی بنائے. جی, شاہ جی لو, یہ احمد شاہ صاحب وغیرہ, یہ سارے محنت کرنے والے. جی, تو ان کی وجہ سے یہ انشاءاللہ کامیابی اور بھی آئے گا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ, تو آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے اچھا کیمپس کون سا لگتا ہے؟ مجھے سارے اچھے لگتے ہیں. جی, مگر سب سے زیادہ اچھا کون سا؟ نہیں, سب یہ کیونکہ ہمارے 18 سال ہو گئے. جی, الحمدللہ, اور سب اچھے لگتے ہیں. جی, ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے. جی, تو آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے تو چھوٹا سا ادارہ تھا اور اب اتنا بڑا ادارہ بن چکا ہے, تو آگے جا کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ انشاء اللہ, پہلے بھی اچھا تھا, ابھی پھر دوبارہ انشاء اللہ آگے بھی چلتے رہیں گے تو انشاء اللہ کامیابی کی طرف ہوں گے. جی, تو مسٹر سلیم, آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور کب سے ہیں؟ جی, میں 2007 سے ہوں. جی, تو آپ کو ڈرائیونگ پسند ہے؟ جی, بہت اچھا. جی, تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں گئے ہیں بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ؟ میں جی لاہور گیا ہوں, پشاور گیا ہوں, اور باقی راول پنڈی, اسلام آباد میں. جی, ساری جگہوں پہ گھوما ہوں.
तो आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? सारी अच्छी हैं, मगर सबसे कोई खास, कोई कोई खास शहर जो आपको बहुत ही पसंद आए? खास शहर तो फिर लाहौर है। अच्छा, तो आपने थोड़ा सा लाहौर के बारे में जिक्र किया है, तो आप स्टूडेंट्स को लम्स लेके जाते हैं स्पोर्ट्स फेस्ट के लिए या कोई और एक्टिविटी हो? जी जी बिल्कुल, एक दो दफ़ा स्टूडेंट्स को भी लेके गया हूँ जी, वैसे भी गया हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी आपने कोई ट्रिप्स लगाए हैं? जी जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जगह पे जाता रहा हूँ जी, जी। तो सबसे पसंदीदा जगह आपकी कौन सी है? पसंदीदा जगह तो सारी पसंदीदा हैं, अब पाकिस्तान की कौन सी जगह जो पसंदीदा नहीं है, जहाँ भी जाए वहाँ पे हर जगह का जो है अपना नज़ारा है। तो कभी कोई इस तरह की सिचुएशन आई कि आपका टायर पंक्चर हो गया हो और गाड़ी में सारे शोर मचाना, मतलब शोर मचा रहे थे, तो फिर आपने उस सिचुएशन को कैसे संभाला? जी जी बिल्कुल, ये एक दफ़ा मेरे साथ एक वाकया हुआ था, टेक्सला स्टूडेंट का ट्रिप फील्ड ट्रिप था, सीमेंट फैक्ट्री में गए थे जी। वापसी पे आते हुए मेरी गाड़ी का जो है पानी का पाइप जो है वो लीक हो गया, और वहाँ पे मैंने गाड़ी जो है वो साइड पे खड़ी की और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वालों को कॉल किया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। इतनी देर में एक ट्रक आया मेरे पीछे से, वो मुझे क्रॉस करके आगे जाके रुक गया, वो ट्रक जो है रिवर्स किया उसने, पता नहीं क्या हुआ है कि उसने जो है देखा नहीं है कि पीछे गाड़ी खड़ी है, हालांकि काफ़ी फासला था लेकिन वो ट्रक रिवर्स में जो है ला के मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी जी। तो मेरी फ्रंट स्क्रीन जो है वो टूट गई और गाड़ी तो पहले से ही ख़राब थी जी। लेकिन यह है कि वो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन किया और उन्होंने दूसरी गाड़ी भेजी, फिर जो लोग मेरे साथ गए थे वो फिर दूसरी गाड़ी पे आए और मैं फिर जो है उसी गाड़ी को लेके आया। तो आपको स्टूडेंट्स के साथ आप लोग इंटरेक्ट करते होंगे, मिलते जुलते होंगे, तो आपको स्टूडेंट्स किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं, सही हैं। और मिस्टर आलमजेब आपको जी, मतलब स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देते हैं? और अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे, जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छे हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं जी। तो आपको, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को? ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें जी, और अच्छे मतलब है कि डिग्री वगैरह हासिल करें, ये मैसेज देना चाहते हैं। और स्टाफ के साथ ही तावन किया करें जी, तो किसी के साथ, स्टाफ के साथ बदतमीजी ना करें जी। तो आप मुझे कोई वाक्या सुना सकते हैं जो बहुत फ़नी था या आपको बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स के साथ आप जब मिले या फैकल्टी के साथ आप मिले, कोई इवेंट हुआ, कोई फंक्शन हुआ? इवेंट तो सारे अच्छे होते हैं जी। ये हमारे एक स्टूडेंट शरियाल यूसुफ़ज़ई साहब जी, वो काफ़ी इधर पुराने स्टूडेंट थे जी, उनके एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, बकाया भी प्रोग्राम अच्छे होते मगर वो बहुत अच्छा हुआ था जी। तो आपको हमारे स्टूडियो में आके कैसा लगा? अच्छे लगे जी। और सर आपको? जी जी बहुत अच्छा लगा जी, माशाल्लाह ये तो अभी नया नया काम स्टार्ट हुआ हुआ है जी, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर की, अपना मीडिया भी बना लिया है जी, और बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब डिपार्टमेंट भी जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। पहले हमारे ज़माने में तो टोटल दो डिपार्टमेंट होते थे जी, एक मैनेजमेंट साइंस और एक कंप्यूटर साइंस जब हम आए थे जी। तो यूनिवर्सिटी आपके सामने बड़ी हुई जी, मेरे सामने बड़ी हुई है बिल्कुल। थैंक यू मिस्टर आलमजेब एंड थैंक यू मिस्टर सलीम, 20 साल आपने इस यूनिवर्सिटी को दिए, बहुत टाइम गुजारा आपने यहाँ पे और बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम एज स्टूडेंट्स, और फैकल्टी भी बहुत अप्रिशिएट करती होगी आपका। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल आवर शो फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी। मैं हूँ नायरा शुजा, अल्लाह हाफिज़।